हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक चैप्टर फिजिक्स का, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, चैप्टर नंबर 10 से लेकर के, ठीक है, 10 दैट इज लाइट। उसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट आज हम लोग देखेंगे और उसमें क्या क्या चीजें आती हैं वो हम लोग यहाँ पे फटाफट कंप्लीट कर लेंगे। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, टुडेस टॉपिक्स आप, पहला लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज, कि लाइट क्या है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। दूसरा रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है, कोई भी चीज रिफ्लेक्ट करती है तो वो क्या होता है और उसके लॉज क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। और तीसरा टाइप्स ऑफ मिरर, कितने टाइप के मिरर होते हैं, तो प्लेन मिरर होता है और दूसरा क्या होता है, स्फेरिकल मिरर होते हैं, ठीक है। स्फेरिकल मिरर में भी दो दो पार्ट पड़ेंगे, कॉन्केव और कॉन्वेक्स, ठीक है। तो इतने टॉपिक आज हमको कंप्लीट करने हैं, इतना हम लोग कंप्लीट करेंगे और फिर इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, इन टॉपिक्स में क्या सब टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग ये टॉपिक्स देखते हैं, तो शुरू करें, लेट्स स्टार्ट। तो पहला टॉपिक क्या है हमारा, पहला है लाइट की, हम लोग पहले डेफिनेशन देख लेंगे। तो लाइट की डेफिनेशन क्या है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच एनेबल्स अस टू सी, मतलब हमारे आसपास जो हम चीजें देख पाते हैं वो किस वजह से देख पाते हैं, लाइट की वजह से। तो जैसे अगर इसी रूम में मैं अंधेरा कर दूं तो क्या होगा, कोई भी चीज दिखेगी नहीं, तो क्या जरूरत है किसी चीज को देखने के लिए, लाइट, ठीक है। तो पहला डेफिनेशन ये है। उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, तो इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब क्या है, उसको अपना एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं, जैसे हवा एक मीडियम है, वाटर एक मीडियम है, तो किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिसिटी भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, इसकी वजह से वो, और एक तरह का वेव है, वेव मतलब जैसे वाटर वेव्स देखते हैं वैसे ही साउंड वेव्स देखते हैं, तो वो एक तरह का वेव है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती है, ठीक है। तो इसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती आगे बढ़ने के लिए, मतलब लाइट कहीं भी जा सकती है। तो आप देखते ही होंगे लाइट, आप पानी के अंदर भी रहोगे तो भी आपको लाइट नजर आएगी वो, और किसी कहीं पे ऐसी जगह पे हो जहां पे कोई चीज नहीं दिख रही लेकिन आपको रोशनी नजर आएगी, ठीक है। तो लाइट एक तरह का क्या है, उसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरी चीज, लाइट टेंड्स टू ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, तो लाइट हमेशा क्या है, हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलता है। ऐसा नहीं देखा होगा कि उस रूम में आपने बल्ब चलाया और लाइट जो है यहाँ कोने में ऐसे मुड़ के चली आई, ठीक है, हमेशा क्या है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा, मतलब अगर वहां बल्ब चल रहा है तो इसी इसके सीधा सीधे में ही लाइट आएगी, क्लियर है इतना। नेक्स्ट, लाइट हैज अ ड्यूअल नेचर, वेव एंड पार्टिकल, तो जब आप लाइट को देखते हो तो वो क्या होता है, पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। जैसे हम इंसान इंसान को देखते हैं, ठीक है, जैसे मैं किसी दूसरे इंसान को देख रहा हूं तो मुझे लगा कि हाँ वो इंसान है, तो जब मैं लाइट को देखता हूं तो मुझे वो कैसा लगता है कि हाँ वो तो पार्टिकल है, पार्टिकल है यानी कोई वस्तु है, ठीक है। लेकिन जब वो ट्रैवल करता है, मतलब एक जगह दूसरी जगह जा रहा है, जब उसको कोई देख नहीं रहा है, मतलब जैसे अगर सन से लाइट अर्थ तक आ रही है तो बेसिकली कैसे किस फॉर्म में ट्रैवल करके आ रही है, वेव के तरीके से आ रही है। तो चलने के लिए वो वेव फॉर्म दिखता है, जब तक मतलब जब तक कोई उसको देख नहीं रहा है तब तक वो वेव की तरह बिहेव करता है, और जब कभी कोई उसको पढ़ना चाहता है यानी समझना चाहता है तो वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। इस तरह से लाइट के दो रूप है, एक तो वेव रूप है और दूसरा क्या है, पार्टिकल, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे पार्ट है। लाइट कास्ट शैडो, तो सिंपल चीज है, कहीं भी आप खड़े रहोगे तो उस पर क्या होगा, आपका इफेक्ट जो है वो उसका परछाई नजर आएगी, ठीक है। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम, वैक्यूम मतलब खाली जगह, सबसे ज्यादा लाइट तेजी से कहाँ चल पाती है, खाली जगह, मतलब जहां कोई हवा ना हो, पानी ना हो, कांच की कोई चीज ना हो, वहां पर लाइट जो है वो थोड़ी सी स्लो हो सकती है, पर इतनी स्लो हो मतलब हमें दिखाई नहीं देगा। लेकिन सबसे तेज लाइट कहाँ होती है, वैक्यूम में, मतलब जहां पे कोई चीज हो ही नहीं, जैसे कि धरती के बाहर स्पेस, तो सन और अर्थ के बीच में जो दूरी है वो बेसिकली सन और अर्थ के बीच की दूरी, जो सन से लाइट निकलती है वो 8 मिनट के अंदर ही यहाँ पे अर्थ तक पहुंच जाती है, ठीक है। तो इस तरह कह सकते हैं कि जो स्पीड है बहुत तेज होती है जब अगर बीच में कोई भी कोई मीडियम ना हो, यानी एयर ना हो या वाटर ना हो, ऐसा कुछ, ठीक है। और कितनी होती है वो स्पीड, तो 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड, यानी 1 सेकंड में 3 × 10, यानी लगभग 3 लाख किलोमीटर चलती है, कौन, 1 सेकंड में लाइट, या मैंने उसको पावर 1 मीटर के फॉर्म में लिखा है,
लेकिन अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 × 10⁵, 10⁵ मतलब 1 लाख, यहाँ 3 है 3 लाख, तो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलती है। ठीक है, अच्छा कोई लाइट किसी जगह पे गिरती है, किसी जगह पे कोई लाइट जब गिरती है तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं जो उस सरफेस पे हो सकती है, सरफेस पे गिरने के बाद वो सरफेस लाइट को किस तरह से लेता है, या तो रिफ्लेक्ट कर देगा मतलब सारी की सारी लाइट जो है वो वहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, या तो रिफ्रैक्ट कर देगा यानी वो जो लाइट है वो उस चीज के अंदर घुस जाएगी। जैसे कि हमारे पास कांच है यानी मिरर है, तो मिरर के अंदर जो होता है लाइट, सामने लाइट उस पर आती है और अंदर घुस करके फिर हमारा हमें भी दिखाई देती है ना, तो वो रिफ्रैक्शन हुआ। रिफ्लेक्शन क्या होता है, जैसे कि पूरी पूरी लाइट मेरे ऊपर ही मुझे ही दिख रही है, मतलब कहीं पर चीज गिर रही है और लाइट वापस आके मुझको दिख रही है, तो मैं उसको रिफ्लेक्शन कहूंगा। ठीक है, और लास्ट क्या है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब पूरी पूरी लाइट एब्जॉर्ब करे, जैसे काला कलर, तो काले कलर में कितनी लाइट मारोगे तो आपको काला ही नजर आएगा, इसका मतलब क्या है उसने सारी की सारी लाइट जो है वो एब्जॉर्ब कर ली। क्लियर है, ये सारी प्रॉपर्टीज है किसकी, लाइट की प्रॉपर्टीज है। तो इतना कंसेप्ट आपको याद रखना है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के लिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे पहला टॉपिक जिसका नाम है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, ज्यादातर हमें रिफ्लेक्शन कहां देखने को मिलता है, मिरर में, है ना। तो मिरर जो है वो एक तरह का बेस्ट एग्जांपल है रिफ्लेक्शन। उस तरह से अगर आप लेंस लेते हो, लेंस देखा है सब लोग जो लेंस और चश्मे पहनते हैं, तो वो एग्जांपल है रिफ्रैक्शन का। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो तो पढ़ने वाले हैं, तो हमारा पहला टॉपिक है रिफ्लेक्शन, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन मतलब क्या है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन अ पॉलिश्ड सरफेस लाइक मिरर। तो क्या होता है, अगर लाइट किसी एक सरफेस पे बाउंस करती है और बाउंस करके फिर आपको दिखाई देती है कोई चीज, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, क्या रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो जैसे आपके आसपास बहुत सारी चीजें होंगी, तो बेसिकली सरफेस दो तरह के हो सकते हैं, या तो बहुत ही साफ सरफेस होता है, क्लीन सरफेस होगा तो वहां सारी की सारी लाइट आपको आपकी आंखों में नजर आएगी। जैसे मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमें हमारा पूरा चेहरा हमें नजर आता है, इसका मतलब कहीं पे हमें ऐसा नहीं लगता कि हमारा हाथ टूटा हुआ या कुछ ऐसा दिख रहा है, तो उसको कहते हैं हाईली पॉलिश सरफेस या रेगुलर सरफेस कहते हैं। और जो हमारे आसपास की चीजें हैं वो बेसिकली कैसी हैं, तो हमारे आसपास जो चीजें होती हैं वो ज्यादातर इररेगुलर सरफेस होता है, मतलब शाइनी नहीं होता, तो हमें जो चीजें हैं वो थोड़ी सी अलग तरीके से दिखाई देती हैं। ठीक है, तो सरफेस दो तरह के होते हैं, एक रेगुलर एक इररेगुलर। तो हम उसे इसके बारे में बात करेंगे, रेगुलर सरफेस जैसे कि मिरर। ठीक है, तो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन दो लॉस पे काम करता है। पहला क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब जब भी किसी सरफेस पे लाइट गिरती है तो जिस एंगल पे लाइट आ रही है उतनी एंगल पे वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दूसरा चीज, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल बनता है किसी भी सरफेस का, वो बेसिकली क्या हो जाता है, एक ही प्लेन में आएगा। तो अब इसको हम लोग क्या है, एक डायग्राम से समझते हैं। तो मान लो आपके पास ये एक सरफेस है, ये नीचे वाला पार्ट रफ है और ऊपर वाला पार्ट क्या है, शाइनी। ये नीचे में रफ लिख देता हूं और ऊपर वाला पार्ट जो है वो क्या है, शाइनी यानी चमकदार यानी मिरर के जैसा है। तो इस सरफेस का, ऐसे कोई सरफेस है जैसे कि मैं एक पेज लेता हूं, तो अगर ये सरफेस है तो ये सरफेस का नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इस सरफेस के लिए नॉर्मल ये होगा, इस सरफेस ऐसा सरफेस हो तो नॉर्मल क्या होगा, ये। ठीक है, तो हमें इमेजिन करना है कि अब ये सरफेस ऐसा है तो इसका नॉर्मल कैसा होगा, ये। तो यहां एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, इसका नाम देते हैं नॉर्मल एन। मान लो कोई एक लाइट आती है ऐसे, इस पे गिर रही सनलाइट ही मान लो, इसका नाम है इंसिडेंट रे। ठीक है, टकराने के बाद कहां पे, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मतलब जहां पे इंसिडेंट रे आकर के नॉर्मल से टकराती है, मतलब सरफेस के इधर। तो ये जो एंगल बना इसको हम लोग कहते हैं एंगल आई। एंगल आई क्यों, क्योंकि इसको हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। टकराने के बाद, इस पॉइंट पर टकराने के बाद ये लाइट सीधा इक्वल एंगल चल जाएगी, मतलब अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री किसके साथ, नॉर्मल के साथ बनाएगा, तो ये ऐसे चला जाएगा, तो इसको कहते हैं एंगल आर। तो आपका पहला क्या हो जाएगा, पहली प्रॉपर्टी कि पहला हो जाएगा एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यानी अगर ये नॉर्मल के साथ 30 डिग्री बना रहा है तो ये भी नॉर्मल के साथ 30 डिग्री बनाएगा। क्लियर है। दूसरी चीज, इंसिडेंट रे और इसका नाम क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये सब
एक ही प्लेन में आ रहे हैं, कौन सा प्लेन? ये पूरा का पूरा एक प्लेन, ये तीनों इसके ऊपर ही गिर रहे हैं ना, इंसिडेंट भी है, नॉर्मल भी यहीं से निकल रहा है, रिफ्लेक्टेड भी है, तो ये तीनों के तीनों कहां पे आ रहे हैं? ऑल लाई इन सेम प्लेन। क्लियर है इतना? ये है हमारा क्या रिफ्लेक्शन की कैरेक्टरिस्टिक। अब हम कुछ पार्ट जो है वो इससे रिलेटेड ही क्या क्या चीजें बनती हैं वो हम पढ़ने वाले हैं, तो उसका भी एक पार्ट हम लोग देख लेते हैं। अगला टॉपिक है इमेज। इमेज मतलब क्या होता है? कोई भी चीज को जब आप किसी चीज के सामने खड़े होते हो तो आपको वो चीज जो है वो उसका एक्चुअल क्या होता है, आपको रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इमेज। अब वो दो तरीके से हो सकता है, या तो रियल हो सकता है यानी एक्चुअल जैसा दिख रहा है वही है, या तो वर्चुअल हो सकता है। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं इमेज होता क्या है। इट इज अ पॉइंट वेयर एटलीस्ट टू लाइट रेस एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट। अगर एक्चुअली मीट होती है तो वो रियल इमेज कहलाएगा, और अगर एक्चुअली मीट नहीं होती मतलब वो लाइट जो है, वो जो चीज आप जिसके सामने आप खड़े हो उसको आप टच नहीं कर सकते यानी फील नहीं कर सकते, तो वो क्या हो जाएगा? वर्चुअल। ठीक है, तो पहला है रियल इमेज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेस एक्चुअली मीट। ज्यादातर ये क्या होता है? स्क्रीन के सामने होता है, मतलब उस चीज को आप देख सकते हो। ठीक है, जबकि वर्चुअल इमेज क्या होता है? वो स्क्रीन के पीछे होता है जिसको आप एक्चुअली फील नहीं कर सकते यानी देख नहीं सकते। क्या कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, मतलब इसको आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, इसको स्क्रीन के ऊपर नहीं देख सकते। ठीक है, दूसरी चीज ये हमेशा इन्वर्टेड होता है यानी उल्टा होता है, तो आपको देखने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? एक और मिरर लगाना पड़ेगा जिसमें आप उसको सीधा देख सकते। ये हमेशा सीधा ही होता है। कहां इसका एग्जांपल क्या है? तो जब आप सिनेमा यानी मूवीज देखने जाते हो तो जो स्क्रीन प्रोजेक्ट की जाती है जिसके जिसपे आप देखते हो चीजों को, वो एक्चुअली क्या है? एक बेस्ट एग्जांपल है रियल इमेज का। क्यों? वहां से जो प्रोजेक्टर होता है वो प्रोजेक्टर में बेसिकली वो सब चीजें जो है वो उल्टी होती है। ठीक है, लेकिन जब उसका इमेज बनता है तो वो इमेज स्क्रीन के ऊपर सीधा बनता है, तो जो प्रोजेक्टर के अंदर रखा है वो इन्वर्टेड इमेज है और स्क्रीन के ऊपर आपको एक्चुअल पिक्चर दिखाई देता है। तो जो सिनेमा हॉल में स्क्रीन होती है वो कैसी स्क्रीन होती है? कैसी स्क्रीन होती है? रियल इमेज देने वाली स्क्रीन होती है। जबकि जब आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं, जैसे आप घर में जो कांच होगा प्लेन मिरर में आप अपने आप को देखते हो, वो एक्चुअली क्या कैसा इमेज दे रहा है आपको? कैसा है? वर्चुअल इमेज दे रहा है। क्यों? आप जितना पीछे जाओगे मिरर से वो भी उतना पीछे जाएगा, मतलब एक्चुअली में आप उसको देख नहीं रहे। ठीक है, आपको नजर तो आ रहा है लेकिन बहुत सारी चीजें उसमें अलग दिखाई देंगी आप। ठीक है, तो ये जो है वो दो कैरेक्टरिस्टिक इसके लिए हमने पढ़ी है, इमेज क्या होता है। ठीक है, तो इमेज से हमें ये सब चीजें सीखने को मिलती है। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने दो जो मिरर के बारे में पढ़ने वाले थे प्लेन मिरर, उनमें से हम पहला टॉपिक लेंगे, दैट इज प्लेन मिरर, तो वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। तो एक मान लो हमारे पास एम एन करके एक प्लेन मिरर, जिस मान लो घर में जो प्लेन मिरर है वही, ठीक है, उसके सामने आप खड़े हो जाओ तो क्या दिखता है? तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है इससे जो इमेज बनेगा उसके सामने जब आप खड़े होंगे तो इमेज कैसा बनेगा? वर्चुअल एंड रियल। क्यों? क्योंकि वो प्लेन मिरर जो है वो एग्जैक्टली ये जो दो लाइन है, उसने कहा था ना कि किसी भी इमेज को बनाने के लिए या तो दो लाइट रेज एक्चुअली मीट होनी चाहिए या तो अपीयर टू मीट होनी चाहिए, तो इसकी पहली लाइन ये गई, तो इसी रास्ते में रिफ्लेक्ट होकर ये प्रॉपर्टीज सब बातें पड़ी गई। अभी के लिए याद रखना कि ये लाइट सीधे गई क्योंकि ये प्लेन मिरर, तो सीधे उसी रास्ते पे आ जाएगी। दूसरी लाइट इस पॉइंट पे गई लेकिन ये घूम के इधर आ गई। अब ये वाली लाइट और ये वाली लाइट दोनों एक्चुअली में तो मिल रही है क्या? ये यहाँ पे गई इधर चली गई ना, और ये इधर गई वापस इधर आ गई, तो एक्चुअली में मिल रही है क्या दोनों लाइट? नहीं। तो क्या करेंगे? दोनों को मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम दोनों को इमेज पीछे बनाना पड़ेगा। तो इमेज ये लाइट मान लो ये लाइट ऐसे इधर गई और ये जो नीचे की तरफ आ रही है इसका रिफ्लेक्शन जो है बेसिकली पीछे की तरफ ऐसे दिखेगा, तो ये दोनों जहां मिलेंगी वो बेसिकली आपका क्या बनेगा? इमेज होगा। समझ में आया? तो ये बनता किससे है? एक्चुअली इन दोनों लाइट को मिलना चाहिए था। ठीक है, ये दोनों लाइट को मिलना चाहिए था, मिलता तो रियल इमेज बनता, और वो कहां बनता? सामने बनता, इधर पीछे नहीं बनता। ठीक है, लेकिन मतलब स्क्रीन पे बनता, लेकिन क्योंकि ये दोनों मिल नहीं रहे तो इसको मिलाना पड़ेगा, और मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये दोनों पीछे की तरफ मिलेंगे, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, तो इसका इमेज कैसा होगा? इसका वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल मतलब एक्चुअली में वो दोनों मिल नहीं रहे यानी स्क्रीन के पीछे मिल रहे, और दूसरी चीज क्या है? इरेक्ट मतलब सीधा, मतलब ये दो जैसी ये चीजें यहाँ पे सीधी दिख रही होगी वैसी यहाँ पे भी ये सीधी दिख रही होगी। ठीक है,
दूसरी चीज क्या है, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जितनी इसकी साइज है उतनी ही इसकी भी साइज होगी। जैसे आप मेरे सामने खड़े होते हो तो आप कैसा दिखता है, आपको दिखता है ना कि आप जितनी हाइट के उतनी हाइट वो भी है ना, तो ये कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरी चीज, इमेज इज एज फार बिहाइंड एज इट इज इन फ्रंट, मतलब जब आप किसी मिरर प्ले मिरर के सामने खड़े होंगे तो जितनी दूर आप मिरर से खड़े होंगे उतना ही वो जो आपका इमेज है वो भी उतना ही दूर खड़ा होगा। ऐसा तो कभी आपने देखा है कि आप मिरर के इतने क्लोज आ गए और वो बहुत पीछे दिखा रहा है, नहीं देखा ना? तो जितनी दूर आप मिरर से खड़े रहते हो उतनी ही दूर आपको मिरर के अंदर भी आपको आपका चेहरा जो है उतनी दूर नजर आएगा। क्लियर है? लेटरली इन्वर्टेड होता है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। लेटरली इन्वर्टेड मतलब क्या है, अगर आप अपना लेफ्ट हैंड उठाते राइट हैंड उठाते हो तो उसके अंदर वो लेफ्ट हैंड उठाएगा, अपना लेफ्ट हैंड उठाओगे तो वो राइट उठाएगा। इसको कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। क्या कहते हैं इसको? लेटरल इन्वर्जन। तो इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक जो है वो आपको प्लेन मिरर में देखने को मिलेगी। इसका फायदा कहाँ होता है? तो इसका फायदा ऐसा मान लो कि अगर आपने बहुत ज्यादा देखा होगा कि एम्बुलेंस जो होती है, एम्बुलेंस के ऊपर हमेशा उसके फ्रंट में एम्बुलेंस उल्टे में लिखा रहता है, कुछ ऐसे है ना, लिखा होगा आपको ऐसा कुछ लिखा रहता है, एम्बुलेंस ऐसे उल्टा लिखा रहता है। क्यों लिखा रहता है ऐसा? ताकि जो सामने वाली गाड़ी है वो क्या होगा, अगर वो कॉन्केव मिरर लगता है, जो सामने जो रियर व्यू मिरर होते हैं जिसमें वो कांच में देखते हैं वो एक्चुअली क्या होता है, रियर व्यू मिरर होता है। रियर व्यू मिरर मतलब वो किस तरह का इमेज देगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो वर्चुअल इमेज देगा तो ये एम्बुलेंस जो है उसके अंदर सीधा दिखाई देगी तो एम्बुलेंस उसको एक्चुअली में नजर आएगा, यानी एक्चुअल एम्बुलेंस जो है वो लिखा हुआ नजर आएगा। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टीज है, लेटरल इन्वर्टेड तो उसको ऐसे नजर आएगा एम्बुलेंस। समझ में आया? तो इसलिए ये वो बेसिकली क्या करते हैं, एम्बुलेंस ये जो लेटरल इन्वर्जन की प्रॉपर्टी है इसका इस्तेमाल करके आसानी से वो लोग चीजों को पता कर सकते। ठीक है, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है इतना हमने कंप्लीट किया किसके लिए, प्लेन मिरर के लिए। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नए टॉपिक पे जिसका नाम है स्फेरिकल। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर मतलब ऐसे मिरर जो बेसिकली स्फीयर के शेप में हो, मतलब चारों बाजू से, यानी जो सरफेस उसका जो सरफेस होता है वो पूरा का पूरा गोल सरफेस स्फेरिकल ही हो। तो मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर कर्व, मतलब ऐसा मिरर जिसके कुछ इस तरह का मिरर, मान लेते हैं ऐसा मिरर दिखता हो, तो ये एक मिरर है स्फेरिकल मिरर। ठीक है, जिसका पूरा का पूरा पार्ट चमकता हो। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं क्या, एक कर्व है ना, घुमावदार है, कर्व बना हुआ है, तो ऐसे मिरर को हम लोग स्फेरिकल मिरर कहते हैं। अब क्या करते हैं, हम लोग इस मिरर को काट लेते हैं, क्या करते हैं बीच में से काट देते हैं, तो आधा जो है वो ये बन गया। ठीक है, आधा जो है वो ये वाला पार्ट बन गया। इसको जो मैंने अंदर चमकदार बनाया है, इसको एक्चुअली ये जो मैंने बाहर बनाया उसको मैंने इधर जो है उसको ऐसे करके लिखा है, ये रफ है, रफ मतलब चमकता नहीं है। इधर मैंने जो ऐसे बनाया है ये मतलब चमकता है, तो बाहर वाला पार्ट या फिर मैं इसको अच्छे से बना देता हूँ तो मैं अंदर वाले पार्ट को रफ दिखाता हूँ। ठीक है, तो ज्यादा से समझ में आएगा, ये अगर मैं पूरा ऐसे बना दूं इसका मतलब क्या है, बाहर वाला पूरा पार्ट चमकता है, तो ये स्फेरिकल मिरर होते हैं। अब इसको अगर बीच में से काट लेता हूं तो आधा शेप ऐसा बन जाएगा, मतलब ये वाला भाग चमक रहा है, अंदर वाला भाग रफ है। रफ है मतलब क्या है, उस पर कोई भी रोशनी चमकती नहीं है, यानी इंसिडेंट रे उस पर लाइट नहीं है। और आधा भाग जो इधर वाला बन गया वो क्या बनेगा, इसमें जो बन गया है वो आधा भाग, ये वाला जो पार्ट बना है वो इसके लिए ऐसे बनेगा। तो इसमें ये वाला जो पार्ट है रफ पार्ट कहां पे आएगा, ऐसे आएगा, बाहर वाले पार्ट में रफ, अंदर वाले पार्ट में शाइनिंग। तो इस तरह के मिरर को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्केव मिरर। तो देख लेते हैं, अगर अंदर का पार्ट रफ है, मतलब इस तरह का रफ है, तो उसको कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर, और बाहर का पार्ट शाइनिंग है। कॉन्केव मिरर में अंदर का पार्ट शाइनिंग है और बाहर का पार्ट रफ। तो आपको सिंपल मैं बता देता हूं कि याद करने का तरीका कैसा है। तो अगर ऐसा है, ऐसा हमेशा दिमाग में ऐसा रखिएगा, अगर ऐसा सी शेप बन रहा है तो ये कॉन्केव मिरर है, और अगर ऐसा बन रहा है, ठीक है, ऐसा शेप बन रहा है, ऐसा भी उल्टा शेप बन रहा है, तो ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, कॉन्केव मिरर में बाहर वाला पार्ट जो है वो शाइनी होता है,
और कॉन्वेक्स मिरर में अंदर वाला पार्ट जो है वो शाइनिंग होता है, ठीक है। दूसरी चीज इसको कहते हैं हम डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मतलब क्या है, इसके ऊपर लाइट जब गिरेगी तो वो अंदर आने की बजाय बाहर की तरफ जाएगी। इसके ऊपर जब लाइट गिरेगी तो अंदर आने की बजाय लाइट बाहर की तरफ जाएगी, इसलिए इसको लोग डाइवर्जिंग कहते हैं, ठीक है। लाइट इसके ऊपर गिरेगी तो बाहर की तरफ जाएगी, जबकि इसके अंदर अगर लाइट गिरेगी तो अंदर की तरफ आएगी हमेशा। लाइट जब गिरेगी तो हमेशा अंदर की तरफ आएगी, इसलिए इसको कहते हैं लोग कन्वर्जिंग मिरर। समझ में आए? तो ये एक होता है डाइवर्जिंग मिरर और एक होता है कन्वर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर हमेशा कॉन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है, हमेशा याद ही कर लेना है। ये तो जो दो टाइप के स्फेरिकल मिरर है की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली। अब इन मिरर को समझने के लिए कुछ डेफिनेशन पढ़ना पड़ेगा कि कौन कौन सी लाइन इन मिरर के ऊपर बनानी कंपलसरी है और उनके बीच की डिस्टेंस को क्या कहते हैं। ये जो कंसेप्ट है हमें वो पढ़ना है, यानी हम कुछ पढ़ेंगे टर्म्स टर्म्स रिलेटेड टू दीस मिरर्स, ठीक है। वो टर्म्स के बेसिस पे हम लोग आगे चीजों को अच्छे से समझ पाए, ठीक है। तो वो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। तो देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। तो टर्म्स रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर। कुछ स्फेरिकल मिरर के लिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ने वाले हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो टर्म्स क्या है, तो मैंने यहाँ पे लिया है कॉन्केव मिरर। कैसे पता चला ऐसा है, कॉन्केव मिरर। तो पहला डेफिनेशन क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कैपिटल सी। अब सेंटर क्या होता है किसी स्फीयर का, किसी भी स्फीयर का सेंटर हमेशा उसका मिडल पॉइंट होता है जिसमें से वो स्फीयर काट के बनाया गया था। तो मान लो मेरे पास ये ऐसे स्फीयर था, है ना, जिसमें से मैंने इसको काटा था, इसका कुछ एक सेंटर रहा होगा। तो मान लो ये सेंटर था उसका सी, है ना, जिसमें से उसको काट के बनाया गया था। तो इस सी को हम लोग कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो वही डेफिनेशन में लिखना है, द सेंटर ऑफ होलो ग्लास स्फीयर ऑफ व्हिच द मिरर वाज पार्ट। ये जो मिरर है जिसका पार्ट था उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो मैंने सी लिख लिया, पहला भी एक चीज हो गया। दूसरी चीज पोल क्या है, पी, द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्फेरिकल मिरर का जो पार्ट है सेंटर, उस वो स्फेरिकल मिरर का सेंटर, ठीक है। तो ये स्फेरिकल मिरर जो मैंने काटा था इसका सेंटर को मैं पी लिखूंगा, क्या लिखूंगा, कैपिटल पी, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, अपेरेचर। अपेरेचर मतलब उसकी रेडियस क्या है, यानी उसका डायमीटर क्या है। तो यहां से लेकर के ये पार्ट, इतना पार्ट, ठीक है, ये जो है वो एम और एन, ये क्या हो जाता है, इफेक्टिव डायमीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, वो उसका इफेक्टिव डायमीटर है। तो ये मेरा एम एन जो है वो उसका अपेरेचर हो गया पूरा, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, तो प्रिंसिपल एक्सिस वो इमेजिनरी लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को पोल से जोड़ती है। समझ में आया, हमेशा ये आपको ड्रॉ करना ही पड़ेगा। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं ये आपको कंपलसरी हर एक डायग्राम में ड्रॉ करना पड़ेगा, क्लियर है, हर एक डायग्राम में। समझ में आया, एम एम भी लिखना पड़ेगा, पी भी लिखना पड़ेगा, सी लिखना पड़ेगा, आगे जो बताऊंगा वो सब। तो एक प्रिंसिपल एक्सिस को बीच से, यानी सी और पी को जोड़ती हुई लाइन, इमेजिनरी लाइन, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइन जॉइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरी चीज रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो पोल से सेंटर तक, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी को हम लोग कहते हैं रेडियस। तो लिख लेते हैं यहां पे, ये जो पार्ट है इतनी दूरी को हम लोग रेडियस कहेंगे, क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे, ठीक है, समझ में आया। दूसरी चीज क्या है, फोकस क्या है। फोकस मतलब वो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे, इस प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट जहां पर सारी रेस पैरेलल आती है और टकराने के बाद किसी एक पॉइंट पे मिलती हो, या एक्चुअली मिल रही हो या फिर वर्चुअली मिल रही हो, तो उस पॉइंट को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। देखते हैं, मान लो ये सब पैरेलल रेस आ रही है और टकराने के बाद किसी एक पॉइंट पे ये लोग एक पॉइंट से गुजर रहे हैं, ठीक है, तो ये वो जो पॉइंट है वो बन, तो इस पॉइंट का नाम होगा प्रिंसिपल फोकस यानी कैपिटल एफ। समझ में आया,
वो जगह वो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां पे सारी रेस अपीयर टू मीट और दे एक्चुअली मीट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। और लास्ट है फोकल लेंथ जिसको हम लोग स्मॉल एफ लिखते हैं। तो ये कैपिटल एफ से लेकर के पी तक की दूरी, मतलब ये कैपिटल एफ से लेकर के पी तक की दूरी को हम लोग स्मॉल एफ कहते हैं, यानी फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल इज कॉल्ड एज, क्या कहेंगे उसको, उसको हम लोग कहेंगे फोकल लेंथ। इतनी चीजें आपको कंपलसरी हमेशा हर एक डायग्राम के लिए याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे और वो रे डायग्राम के बेसिस पे पहले कुछ रूल्स पढ़ेंगे। वो रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके बेस उस रूल को ही हम लोग मान करके आगे कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे, क्लियर है। तो उसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है, तो वो रूल्स पढ़ लेते हैं कि वो रूल्स क्या है। ये रूल दोनों के लिए लागू होते हैं, कॉन्केव मिरर के लिए और कॉन्वेक्स मिरर के लिए, तो रूल्स पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम्स फॉर कॉन्केव मिरर, ठीक है। कॉन्केव मिरर के लिए भी और कॉन्वेक्स मिरर के लिए रूल्स तो सेम ही रहेंगे, बस क्या हो जाएगा उनका शेप जो है वो बदल जाएगा, ठीक है। उसको स्टार्ट करने से पहले मैंने एक रिलेशनशिप नहीं बताई कि जो फोकल लेंथ है यानी स्मॉल एफ और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उनके बीच में रिलेशन क्या है, यानी सी कैपिटल सी और कैपिटल एफ के बीच में रिलेशन क्या है। इनफैक्ट हम उसके डिस्टेंस के बीच में रिलेशन पढ़ रहे हैं, तो याद रखना है फोकल लेंथ यानी एफ और सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा आधा होता है किसका, फोकल लेंथ का, ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू आर बाय टू, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको याद रखना है, क्लियर है। अब हम पढ़ते हैं रूल्स। ये रूल्स चारों रूल कॉन्केव मिरर के लिए और कॉन्वेक्स मिरर के लिए दोनों के लिए काम आएंगे, इसलिए ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये रूल्स आपको याद रखने। मैं आपको हर बार क्या बोलूंगा, जब मैं आगे आपको रे डायग्राम बनाना सिखाऊंगा तो मैं आपको सिर्फ नंबर बोलूंगा कि पहला नंबर वाला और तीसरा नंबर वाला दोनों मिलाकर के इमेज बना लें, पहला नंबर वाला चौथा नंबर वाला दोनों मिलाकर के इमेज बना लें, तो आपको पहला नंबर दूसरा नंबर समझ में आना चाहिए। ये एक दो तीन चार, इनके बेसिस पे ही हम लोग सारे के सारे रे डायग्राम कॉन्केव मिरर के पढ़ेंगे, क्लियर है इतना। तो इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान से आपको याद कर लेना है, क्लियर है। तो देख लेते हैं फिर, पहला अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस, मतलब पहले एक कॉन्केव मिरर ड्रॉ कर लेता हूं। तो ये कॉन्केव मिरर है और इसके लिए जरूरी क्या है, एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करना जिसमें एक पोल हो, एक सेंटर हो और एक फोकस हो, क्लियर है, ओके। अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो टकराने के बाद, मतलब इमेज पे टकराने के बाद कहां से जाएगी, वो फोकस से जाएगी। कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो टकराने के बाद हमेशा वो कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। ये हमारा रूल नंबर वन है, दिमाग में बिठा लेना होगा। दूसरा रूल, रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, इसी का एग्जैक्टली उल्टा, तो उसके लिए डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हो गया आपका कॉन्केव मिरर, ये हो गई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस और ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया आपका फोकस। छोटा वाला फिर भी आप ध्यान से देख रहे हैं, कह रहा है कि अगर कोई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस की बजाय फोकस से होके गुजरे, इसमें क्या था पैरेलल है तो फोकस से गुजरेगा, इसमें फोकस से गुजरे तो टकराने के बाद वो पैरेलल जाएगा, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस। बहुत इंपॉर्टेंट, क्या अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस का प्रिंसिपल फोकस से होके गुजरता है तो टकराने के बाद वो पैरेलल जाएगा, इसी का उल्टा है, क्लियर। तीसरा, अरे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिफ्लेक्टेड बैक टू द सेम पाथ एज इट वाज नॉर्मली इंसिडेंट, मतलब अगर आपके पास कोई एक तरह का कॉन्केव मिरर है और ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये सेंटर है और ये फोकस है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीसरा पॉइंट, कि अगर कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, मतलब कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो वो उसी रास्ते पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी उसी रास्ते पे वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी,
ये हमारा तीसरा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। पहला पॉइंट क्या है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो टकराने के बाद फोकस से जाएगी। दूसरा पॉइंट कि अगर कोई लाइट प्रिंसिपल फोकस से जाती है तो टकराने के बाद पैरेलल आएगी। और तीसरा पॉइंट कि अगर कोई लाइट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो उसी रास्ते पे वो वापस आए। क्लियर। नेक्स्ट लास्ट और टॉपिक जो है वो बेसिकली आपने जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था उसमें पहला जो लॉ था एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, उसी से रिलेट लेना देना है, तो हम लोग उसको भी देख लेते हैं। मान लो आपके पास एक छोटा सा यहां बना रहा हूं, ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये आपका सी है, ये आपका एफ है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर इसके पॉइंट पे पी पे आकर के कोई इंसिडेंट रे टकराता है तो ये उतने एंगल पे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी एंगल आई और एंगल आर बराबर होंगे, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, क्लियर है। तो ये जो चार रूल है, आपको ये चार रूल दिमाग पे पूरे बिठा लेने हैं, इसके बेसिस पे ही हम लोग क्या करेंगे, सारे के सारे रे डायग्राम पढ़ने वाले हैं, क्लियर है। तो अब रे डायग्राम स्टार्ट करने के लिए हम लोग ये चीजों को फटाफट ध्यान रखेंगे, ठीक है। लेट्स डू दिस। ओके, तो शुरू करते हैं हम लोग अपना टॉपिक जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको एग्जाम में हमेशा ये पूछा जाता है, ठीक है। सीधे तरीके से नहीं पूछा जाएगा लेकिन आपको थोड़ा सा नॉलेज मिल जाएगा कि आपको कैसे ये सारे सम्स करने हैं, ठीक है। तो रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर, तो हम लोग पहले कॉनकेव मिरर ले लेते हैं। ये हमारा एक कॉनकेव मिरर है, ये इसकी एक प्रिंसिपल एक्सिस है, डायग्राम थोड़ा सा इधर उधर रहेगा देख लेना, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। पहला कहता है कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, इंफिनिटी मतलब आपके सामने जो प्लेन मिरर के सामने दिखी है, मतलब लाइट कहीं दूर से आ रही है, जैसे सन की लाइट आ रही है, तो हम लोग कहीं सन की दूर की लाइट लेके आ रहे हैं, ये सन लाइट है, ठीक है, ये सब सन लाइट है। तो हमने पहला रूल पढ़ा था, पहला रूल क्या था, कहता है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है तो हमेशा टकराने के बाद कहां जाएगा वो, फोकस से। तो देख लेते हैं, टकराने के बाद फोकस से, ठीक है, ये भी फोकस से, ये भी फोकस और ये भी फोकस। तो ऑब्जेक्ट कहां पे है, इंफिनिटी पे, ये इंफिनिटी है, इंफिनिटी मतलब कहीं दूर से लाइट आ रही है। तो इमेज की पोजीशन कहां बनी, तो इमेज की पोजीशन बनी एट फोकस, एट एफ। नेचर कैसा है, ये मिरर के इसी तरफ मिल रहा है, पीछे नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा, रियल होगा और उल्टा होगा, यानी इन्वर्टेड होगा। और ऑब्जेक्ट जो है बहुत बड़ा दिख रहा होगा, तो यहां पे जो साइज है ये तो फोकस पे ही बन रहा है, तो इसलिए ये क्या होगा, हाईली डिमिनिश, बहुत छोटा, हाईली डिमिनिश्ड बोलो या पॉइंट साइज, क्या बोलोगे, पॉइंट साइज। तो ये हो गया हमारा पहला, ये हमारा ए हो गया, क्लियर है। पैरेलल आएगा, फोकस पे मिलेगा, तो एट फोकस इमेज बनेगा, फोकस पे ये इन्वर्टेड होगा, हाईली डिमिनिश्ड। दूसरा पार्ट क्या है, तो दूसरे पार्ट में हम लोग ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे पार्ट पर रखेंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा, दूसरे पार्ट में क्या करेंगे हम लोग, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट को हम लोग का क्या है, सी से दूर रखना है, सी से दूर मतलब मिरर की तरफ सी की सी नहीं, सी से दूर, तो सी से दूर मतलब यहां पे, यहां पे रखें। तो अब हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा, दो चीजों को ध्यान रखना है, यहां पे दो दो रेज मिलेंगी, एक्चुअली मीट करती है या फिर अपीयर टू मीट करती है, वो बाकी नाम है यहां पे। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसका नाम है एबी, ठीक है। पहली ये कहती है कि अगर पैरेलल जाएगा तो टकराने के बाद फोकस से गुजरेगा, हो गया, ये पहला हो गया। दूसरा रूल, ये रूल नंबर वन है, फिर आपको यूज करना है रूल नंबर थ्री। रूल नंबर थ्री क्या कहता है कि अगर कोई रे सी से जाता है तो उसी रास्ते पे वापस मिलेगा, ठीक है। तो ये जहां दोनों मिलते हैं ये आपका इमेज बनेगा, ए प्राइम बी प्राइम, समझ में, तो आप लिखना है आपको। और ऑब्जेक्ट की पोजीशन बियॉन्ड सी है, सी से दूर है, तो इमेज की पोजीशन कहां आई, सी और एफ के बीच में,
यहां लिखना है बिटवीन सी एंड एफ, और नेचर कैसा है तो मिरर के इसी तरफ मिल रहा है, तो ये रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज कैसा है तो ये इतना बड़ा है, ये उससे छोटा है तो डिमिनिश्ड। क्लियर है? ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया, ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया, यानी बी हो गया। अब तीसरा, तीसरे पार्ट में ऑब्जेक्ट जो है वो कहां बैठा है, सी के ऊपर। When object is at C, C मतलब center of curvature पे ही बैठ गए, तो क्या होगा? तो वही रूल लगाएंगे, क्या कौन सा रूल? पहला, ये पहला रूल है, क्या पैरेलल है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पास हो, प्रिंसिपल फोकस के पास हो। और दूसरा रूल लगाएंगे, दूसरा रूल क्या है कि अगर प्रिंसिपल फोकस से जा रहा है तो टकराने के बाद कहां मिलेगा, वो कहां मिलेगा, पैरेलल जाएगा, तो जहां पे दोनों रेज मिलती हैं वो आपका क्या बन जाएगा, ए प्राइम बी प्राइम। तो देखो सी से ही शुरू हुआ था, टकराने के बाद सी पे आ गया, तो क्या लिखेंगे, इमेज की पोजीशन क्या होगी एट सी, नेचर क्या होगा, रियल इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज क्या होगी, सेम साइज है ना, दोनों की सेम साइज, सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसा ऑब्जेक्ट है उतनी ही साइज का ये भी। क्लियर है? ये तीसरा है। तो इसमें हमने कौन कौन सा रूल इस्तेमाल किया, रूल नंबर वन और रूल नंबर टू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ। अब ऑब्जेक्ट कहां आके बैठ गया, पहले वो सी पे था, अब सी और एफ के बीच में आके बैठ गया। ठीक है, तो क्या होगा, तो मान लो ये आपका ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है ए बी। ठीक है, अब इसमें आपको यूज करना है रूल नंबर वन और रूल नंबर थ्री। तो ये हो गया आपका रूल नंबर वन कि पैरेलल है तो टकराने के बाद फोकस से जाएगा, थोड़ा सा नहीं मिल रहा है यहाँ पे फोकस पे। ठीक है, और रूल नंबर थ्री क्या कहता है, रूल नंबर थ्री कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सी से जाता है, इंसिडेंट रे कोई सी से जाती है तो उसी रास्ते को वापस आए, तो हमारे पास सी ए रहा तो इसके बराबर हमें लेना है। ठीक है, जहां पे दोनों मिल जाए तो ऐसे एक लाइन ड्रॉ करनी है जहां से तीनों लाइन में आ जाए, ये आपका सी है ना, ये यहां कहीं जाके मिल जाए। क्लियर है? थोड़ा सा मेरा लाइन टेढ़ा है लेकिन आप सीधा लाइन मानू पे तो आप स्केल से सीधा लाइन ड्रॉ कर सकते हो, तो ये यहां आ जाके मिल जाए, तो ये ए प्राइम हो गया और ये बी प्राइम हो गया। क्लियर, इजी है। अच्छा, इस समय मैं एम एन नहीं लिख रहा हूं, तो आप एम एन लिख लेना, ये समझ में है, क्लियर होना चाहिए पूरा। कौन सा रूल, पहला और तीसरा, कि सी से अगर जाएगा तो सी आपको यहां ये टच करना है ऑब्जेक्ट से, जाएगा तो ये पीछे की तरफ मिलेगा, है ना, कब समझ में है? ओके, तो क्या लिखेंगे, इसका इमेज कहां बना, अच्छा ये कौन से वाले का उल्टा है, सेकेंड वाले का उल्टा है, क्यों, सेकेंड वाले में क्या पढ़ा था, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो इमेज कहां बनेगा, बिटवीन एफ एंड सी, और ये जो चौथा वाला है ये दूसरे वाले का ये उल्टा है, क्यों, इसमें आप देखो ऑब्जेक्ट जब बी सी और एफ के बीच में आएगा तो इमेज कहां बनेगा, बियॉन्ड सी, माना, और नेचर कैसा होगा, वही रियल एंड इन्वर्टेड, क्यों, मिरर के सामने बन रहा है, और लास्ट में साइज क्या होगी, साइज होगी एनलार्ज्ड, एनलार्ज्ड कैसे हुआ, तो ये साइज की छोटी है, इतनी बड़ी साइज है, समझ में, तो ये जो है हमारा क्या हो गया, चौथा पार्ट हो गया। अब जो पांचवा है वो पहले वाले का उल्टा है, पहला वाला क्या था, तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से आता है, इमेज लाइट जो है इंफिनिटी से आ रही है तो इमेज कहां बनता है, फोकस पे, तो अब हम लोग कहां खींचेंगे, अभी सी और एफ के बीच में था तो अब हम खींचेंगे फोकस पे, फोकस पे खड़े होंगे तो इमेज कहां बनेगा, समझ सकते हो, ठीक है, वो भी देख लेते हैं, लेट्स डू दिस। ऑब्जेक्ट इज एट एफ, फोकस पे है तो क्या होगा, तो वहां मेरा ऑब्जेक्ट ये रहा, इसका नाम ए बी है, तो पहला रूल हम लोग इस्तेमाल करेंगे, पहला रूल कहता है कि पैरेलल है तो प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस से होकर गुजरेगा, ये जाएगा, और दूसरा रूल कहता है कि, दूसरा नहीं, पहला और तीसरा रूल यूज करेंगे, तीसरा रूल कहता है कि अगर कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो वो उसी रास्ते पे वापस आएगा। अब ये दोनों मिल ही नहीं रहे, दोनों मिल रहे क्या, नहीं मिल रहे, मतलब कहां मिलेंगे, तो एट इंफिनिटी मिलेंगे,
तो ये किसके वाले कितना उल्टा हो गया, पहले वाले कितना उल्टा हो गया ना ये, तो इसका क्या लिखेंगे, इमेज कहाँ बनेगा, एट इंफिनिटी, और नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, क्यों, क्योंकि सामने मिल रहा है पीछे नहीं मिल रहा है, और साइज कैसी होगी, हाईली एनलार्ज्ड, मतलब बहुत बड़ा दिखाई देगा, क्लियर। तो ये बन गया हमारा व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ, और एक लास्ट बात बाकी है क्या, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी, इनके बीच में रख के देख लेते हैं इमेज कहां बनता है, तो ऑब्जेक्ट जब एफ और पी के बीच में है कहीं यहां पे, ठीक है, तो क्या होगा, तो उसके लिए हमें केस देखना पड़ेगा। तो पहला वाला जो हमारा केस है, क्या है हमारा पहला केस, कि अगर कोई पैरेलल है तो वो फोकस से जाएगा, तो लेकिन ये तो यहां पे कुछ होने वाला है नहीं, इसका इमेज हम लोग पीछे की तरफ बना रहे, ठीक है। और तीसरा वाला रूल, तीसरा वाला रूल कहता है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई चीज जा रही है, ठीक है, तो उसका जो पीछे की तरफ है, ये डायरेक्ट इसलिए बना क्योंकि ये इमेज पीछे की तरफ बन रहा है, तो उसका इमेज पीछे की तरफ मिलता है, तो ये यहाँ पे आपका इमेज बन के तैयार हुआ, इसका नाम ए प्राइम बी प्राइम, आपके एक्चुअल इमेज का नाम है ए बी, क्लियर है। तो ये जो है हमारा इमेज बन के तैयार हुआ, तो यही एक ऐसा केस है जिसमें हमारा इमेज पीछे बन रहा है, तो पोजीशन क्या है, तो बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, नेचर कैसा है, तो पीछे मिल रहा है तो वर्चुअल, और कैसा है, वर्चुअल एंड सीधा है, जैसा ये है वैसा ही, एंड इरेक्ट, सीधा है, और क्या है, तो बड़ा है तो एनलार्ज्ड, ठीक है। अब ये मिरर कहां काम आता होगा आपके हिसाब से, ये इस तरह का कॉन्केव मिरर कहीं काम आता होगा, बिल्कुल आता है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो और अपना दांत दिखाते हो, जो दांत सड़ गए हैं उसको दिखाते हो, तो उस वक्त डॉक्टर क्या है, वही मिरर इस्तेमाल करके, कॉन्केव मिरर इस्तेमाल करके ऑब्जेक्ट जो कि आपका दांत है उसको कहां रखता है, बहुत ज्यादा क्लोज, बहुत ज्यादा क्लोज किसके, आपके दांत के बहुत ज्यादा क्लोज, तो ये उस ऑब्जेक्ट कहां रख रहा है, वो एफ और ई के बीच में, जो उस मिरर का जो फोकस है उससे भी कम कर देता है, बहुत क्लोज कर देता है, तो इमेज कैसा बन जाता है, सीधा, यानी आपको जैसा दांत दिख रहा है उस डॉक्टर को वैसा ही दांत दिख रहा होगा, तो उस केस में डेंटिस्ट आपका इलाज अच्छे से कर सकता है। इसके यूज देख लेते हैं, कहां कहां यूज होता है, यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर, कहां यूज करते हैं कॉन्केव मिरर को हम, तो पहला, यूज्ड एज सर्च लाइट, है ना, टॉर्च लाइट एक्सेट्रा, दूसरा, यूज्ड फॉर ऑब्जर्विंग टीथ बाय डेंटिस्ट, है ना, और तीसरी चीज क्या है, टू ऑब्जर्व हाईली एनलार्ज्ड, क्या हेवनली बॉडीज, ना बाहर की दुनिया की बड़ी बड़ी बॉडीज को देखने के लिए उसको यूज करते हैं हम लोग इन स्पेस, तो ये सब जो है बेसिकली क्या है, कहां काम आता है, उस सब जगह पे कॉन्केव मिरर काम आता है। यहाँ पे आपका कॉन्केव मिरर का पूरा टॉपिक जो है वो खत्म हो चुका, नेक्स्ट टाइम हम कॉन्वेक्स मिरर करेंगे और उससे रिलेटेड मिरर फॉर्मूला को थोड़ा सा देखेंगे, और फिर हम लोग मूव करेंगे किसके लिए, रिफ्रैक्शन के लिए, जो कि लेंस है।